राइट तो ट्यूसडे में बैंक निफ्टी अगर हम लोग देखते तो बैंक निफ्टी में क्या क्या चीजें हमें ध्यान पे देना है एज पर प्राइजेक्शन वाई के हिसाब से, तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी अगर हम लोग देखते तो लास्ट डे हम लोग बताया था कि मार्केट इधर साइडवेज जा सकता है, साइडवेज टू बेयरिश। तो मार्केट आपको दिखा है बेयरिश तो मार्केट नहीं हुआ है, लेकिन मार्केट आपको खुलने के बाद एक साइडवेज पैटर्न यहाँ पर आपको दिख रहा है, राइट। और मार्केट का अभी का अगर जोन देखते तो ऊपर 2031 और नीचे आपका 41,965 के अराउंड मार्केट नीचे आया था, जो 50 MA का मार्केट वहाँ पर मार्केट सपोर्ट लिया है। तो अभी का अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट 42,000 और ऊपर 42,200 का जो मार्केट है उसमें ही मार्केट है अभी, राइट। तो जब तक मार्केट इस लेवल को डिसाइसिवली किसी भी तरफ ब्रेक नहीं करता है तो उसमें बायस के लिए कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से क्या है, मार्केट में आपका एंट्री तभी बनेगा अगर मार्केट नीचे के मतलब बेरिस के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो 50 MA का जो मार्केट है उसको अगर डिसाइसिवली मार्केट ब्रेक करता है तो नीचे आपको डायरेक्टली एटलीस्ट 41,700 तक आप नीचे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक मार्केट में आप मार्केट आ सकता है। नीचे ऊपर क्या है, मार्केट अगर 200 का लेवल अगर डिसाइसिवली ब्रेक करता है तो एटलीस्ट आपका लास्ट जो ऊपर हाई था वो है 42,344, तो वो आपका फर्स्ट टारगेट बन जाएगा। उसके बाद 400 या फिर हम लोग 500 तक भी ऊपर सोच सकते हैं, राइट। तो अगर हम लोग बैंक निफ्टी देखते हैं तो बैंक निफ्टी ऊपर तक मतलब बुलिश अगर होता है तो पहले इसको डायरेक्टली 42,200 का जो मार्केट उसको डिसाइसिवली ब्रेक करना पड़ेगा, और नीचे अगर बेरिश के हिसाब से देखते हैं तो ये जो 50 MA का मार्केट इसको डिसाइसिवली अगर ब्रेक करता है तो नीचे एटलीस्ट मार्केट 41,700 उसके बाद 500 तक भी नीचे जा सकता है। तो चलिए एक बार बिल्डअप देख लेते हैं, बिल्डअप के हिसाब से क्या यहाँ पर व्यू पॉइंट बन रहा है। तो बिल्डअप अगर हम लोग देखेंगे तो क्या क्या हमारा ऊपर था कि 42,200 को एक बार देख लेते, क्योंकि इसको ही हम लोग कंसीडर कर रहे हैं रेजिस्टेंस के हिसाब से। तो 53 का यहाँ पर बिल्डअप आपको दिख रहा है, अगर हम लोग वाई के हिसाब से देखते तो यहाँ पर 20 लाख का वॉल्यूम है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग कॉल में देखते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 89,000 का आपका वाई है, यहाँ पर 25 लाख का आपको बिल्डअप दिख रहा है। तो डिफरेंस क्या है वॉल्यूम में, 5 लाख का एक डिफरेंस है, राइट। तो अभी भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं रेजिस्टेंस के हिसाब से, दोनों तरफ साइमल्टेनियसली आप बोल सकते हैं कि दोनों तरफ उतना एग्रेसिव बिल्डअप अपनी, क्योंकि वॉल्यूम में आप देख सकते हैं, राइट। तो उसके हिसाब से हम लोग अभी भी रेजिस्टेंस के हिसाब से, इमीडिएट रेजिस्टेंस के हिसाब से हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो मार्केट को अगर बुलिश होना होता है तो इसको पहले डिसाइसिवली ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद अगर हम लोग 42,400 को देखते हैं तो 400 पे क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 900 का एक आपको 9,000 का आपको बिल्डअप दिख रहा है, राइट। और यहाँ पर कितना 36, और यहाँ पर आप देखिए 300 पे 63, और यहाँ पर 24। तो दोनों में क्या है, यहाँ पर 10 लाख का आपका वॉल्यूम दिख रहा है 300 पे, और यहाँ पर 17 लाख, यहाँ पर 10 लाख का आपका दिख रहा है 42,400 पे, राइट। और यहाँ पर 4 लाख का, तो इसके हिसाब से अभी भी 42,300 जो एज पर प्राइजेक्शन आपको दिख रहा है, नेक्स्ट हाई जो दिख रहा है तो वहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, 400 पे रेजिस्टेंस तो है ही। तो नीचे क्या है, अगर मान लीजिए 42,200 को अप्रोच नहीं कर पाए, मार्केट नीचे पुश करता है, तो 42,000 पे हम लोग सपोर्ट के हिसाब से देख रहे थे, तो 1,32,000 का वाई यहाँ पर आपको दिख रहा है पुट्स में, और यहाँ पर अगर हम लोग कॉल में देखते हैं तो 1,04,000 का आपको बिल्डअप दिख रहा है। यहाँ पर 30 लाख का वॉल्यूम दिख रहा है, यहाँ पर 37 का आपको दिख रहा है वॉल्यूम। तो इसके हिसाब से अभी भी क्या है, यहाँ पर पुट होल्ड कर रहे हैं, लेकिन अगर मार्केट को नीचे जाना होता है तो पहले 42,000 को डिसाइसिवली ब्रेक करना पड़ेगा, तो कितना दूर नीचे जा सकता है, तो मार्केट एटलीस्ट 41,700 एज पर प्राइजेक्शन आपको दिखेगा, नेक्स्ट जो लो है वो 41,700 आपका एज पर प्राइजेक्शन बन रहा है, तो उतना दूर नीचे एटलीस्ट जा सकता है, राइट। तो उसके हिसाब से यही सारे पॉइंट्स हमें अभी ध्यान पर देना है। FII DII का अभी अगर हम लोग देखते हैं डेटा, तो अभी भी मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट किया हुआ है FII की तरफ से, तो उसके हिसाब से हमें यही सारे पॉइंट्स अभी ध्यान पे देना है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।